namaskar students welcome back how are you all i hope you are good and healthy so students in my previous video we did one mind map and short question and answers one two three we had finished right now today we will start from fourth one so let's start our video fourth question is which animals are called flesh eating animals it means कौन से animals को हम flesh eating animals कहते हैं flesh mean flesh का meaning yes flesh means meat जो uh, animals का जो meat होता है उसे हम कहते हैं English में flesh तो कौन से animals को हम flesh eating animals कहते हैं तो this answer you will get on page number फोर्टी 6. So please open page number 46. So here is your answer: Animals that eat flesh of other animals are called flesh-eating animals. If you want to write, you can write one name also. Right. अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो आप किसी भी एक या दो एनिमल्स का नाम अपने नोटबुक में लिख सकते हैं इट इज नॉट कंपलसरी, बट अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो सो व्हाट आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स एनिमल्स डार्ट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स दिस इज योर आंसर नंबर फोर सो नाउ फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन इज नेम टू एनिमल्स दैट ईट द रिमेज ऑफ डेड एनिमल्स इट मीन्स हमें ऐसे एनिमल्स का नाम लिखना है जो मरे हुए एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं या मीट खाते हैं राइट right? ऐसे एनिमल्स का नाम लिखना है जो मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं सो ओपन द पेज नंबर फोर्टी सेवन ऑन पेज नंबर फोर्टी सेवन some animals that eat remains of dead animals right example of vulture hyenas and jackals you can write any two names okay vulture hyena or hyena jackal whatever is easy for you right you can write any two name vulture or hyena this is your answer number 5 you will write like this vulture and hyena are the examples of animals that eat remains of dead animals now next question on fifth question you will write like this vulture and hyena are the animals that eat remains of dead animals you can write here also right vulture and hyena then animals that eat remains of dead animals Okay, so this is your answer. Now next one, which animal is called a predator? Give one example. So here you have to write what is predator. Predator kya hote hain, aur unka hume ek example bhi likhna hai. So this answer you will get on page number forty-seven. So I request you to open the page number forty-seven. You will start your answer like this. द एनिमल्स डेट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल प्रीडियस राइट आर कॉल प्रीडियटर्स द एनिमल्स डैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल प्रीडेटर्स राइट मतलब ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल का शिकार करते हैं खाने के लिए ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं प्रीडेटर्स एंड वॉट इज स्प्रे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका शिकार किया जाता है फिर बाद में उनको खा लेते हैं बट अवर आंसर इज वॉट इज प्रिडेटर सो वी विल राइट ओनली अबाउट द प्रीडियस ओके सो दिस इज योअर आंसर नंबर सिक्स एंड यू हैव टू गिव वन एग्जाम्पल ऑल्सो राइट तो लायन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रीडेटर डोंट फोगेट टू राइट दिस फॉर एग्जाम्पल लायन लायन इज अ प्रीडेटर ओके

जो एनिमल्स हमारे अर्थ पे अभी नहीं है राइट दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन द अर्थ दैट एनिमल्स आर कॉल्ड एक्सटिंक एनिमल्स सो दिस आंसर यू विल गेट ऑन पेज नंबर फोर्टी सेवन हेयर इज योर आंसर एनिमल्स डेट आर नो लॉन्गर प्रेजेंट ऑन अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंट एनिमल्स राइट दिस इज योर आंसर नंबर सेवन ऑन पेज नंबर फोर्टी सेवन एनिमल्स डेट आर नो लॉन्गर प्रेजेंट ऑन अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंट एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो अभी हमारे अर्थ पर प्रेजेंट नहीं है एंड वॉट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स डायनासोर एंड मेमोथ दिस आर द टू एग्जाम्पल्स विच आर नॉट प्रेजेंट ऑन अर्थ राइट नाउ एंड डोडो ऑल्सो डोडो डायनासोर्स एंड द मेमोथ बहुत सारे पहले वो हमें देखने को मिलते थे बट नाउ डिज दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन द अर्थ ओके नाओ स्टूडेंट्स दिस इज ऑल योर शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स आई होप यू विल राइट इन योर नोटबुक इन गुड हैंड राइटिंग इज इंटेड ओके डोंट फोगेट टू राइट इन योर ईवीएस नोटबुक शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू लॉन्ग question and answers okay so try to find out the answers of long question and answers till then bye bye take care